हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ बेसन के लड्डू शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप्स देने वाली हूँ, जो बिल्कुल मार्केट जैसे लड्डू बनेंगे आपके। आप वीडियो को कंटिन्यू देखें, स्किप करके ना देखें। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आज हम बेसन लड्डू बना रहे हैं। बेसन लड्डू बनाने के लिए हमें यहाँ बेसन को मोटा लेना है, बारीक बेसन नहीं लेना है। मोटे बेसन के लड्डू ही अच्छे बनते हैं। बारीक बेसन के लड्डू बनाने से वो मुंह में चिपकते हैं, अच्छे नहीं बनते हैं, उसका टेक्सचर अच्छा नहीं आता है, दानेदार नहीं बनते हैं। इसलिए बेसन हम दानेदार लेंगे, मोटा बेसन लेंगे, जो मोहन थाल बर्फी के लिए यूज होता है। ये मैंने एक पाव लिया है। यहाँ मैं शुरू में 50 से 60 ग्राम घी डाल रही हूँ। बेसन लड्डू बनाने के लिए घी की मात्रा थोड़ी ही चाहिए होती है, ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ 50 से 60 ग्राम ले रही हूँ। आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। घी को हमने मेल्ट होने के लिए रख दिया है। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। घी हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है। आप इस रेसिपी में देखेंगे कि बेसन लड्डू बिल्कुल दानेदार, बिल्कुल मार्केट जैसा बनने के लिए आपको बहुत ही अच्छी और नई टिप्स बताने वाली हूँ। इसमें हम यूज करेंगे जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी। इसे हम लो फ्लेम पर इसी तरह से चलाते हुए भूनेंगे। अगर हमें घी की आवश्यकता और पड़ेगी तो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा इकट्ठा हम घी इसमें नहीं डालेंगे। आप इसे लो फ्लेम पर ही चलाएं ताकि ये चिपके नहीं, जले नहीं। ये देखिए, मैंने जितना घी लिया था उसमें ये परफेक्ट है। इसमें घी मेरे हिसाब से और नहीं डलेगा, नहीं तो ज़्यादा गीले हो जाएंगे लड्डू, अच्छे नहीं लगेंगे। बर्फी बनाते वक्त घी हम ज़्यादा डाल सकते हैं। लड्डू में घी बराबर हो तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दें। ये देखिए, आप देख सकते हैं बेसन हल्का हल्का भुनना शुरू हो गया है। बेसन को भुनने के लिए आप मोटे तले की कढ़ाई लें ताकि उसमें इजीली भुना जा सके, चिपके नहीं। घी आप इसमें अपने अंदाजे से डाल सकते हैं, या छोटी जो टीस्पून होती है उसे आप 6 से 7 टीस्पून डाल लीजिए, 6 स्पून। हम इस तरह से चलाते हुए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, हल्का गोल्डन ब्राउन होने देंगे। बेसन में खुशबू आना शुरू हो गया है, लेकिन हमें थोड़ा और भूनना है इसे, अभी थोड़ा कच्चा है। ये देखिए, आधे से ज़्यादा हमारा बेसन भून चुका है, थोड़ी कमी है इसमें। अब इसमें डालना है हमें एक पिंच हल्दी। इससे क्या है, बेसन की जो खुशबू रहती है वो नहीं आती इतनी, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। साथ में डालेंगे हम इसमें दही। दही आपका मीठा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। इसमें 2 छोटी चम्मच दही डालेंगे, इससे बेसन और भी ज़्यादा दानेदार और लड्डू इतने टेस्टी दानेदार मार्केट जैसे बनते हैं, आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। इसी तरह से हम इसे मिलाएंगे। आप देख सकते हैं फूल गया है बेसन। ये देखिए, दही को डालते ही बेसन फूल गया है। आप इसमें 2 छोटी चम्मच दही डाल लें, इससे आपके बेसन के लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे। इसी तरह से हम इसे लो फ्लेम पर भूनेंगे, हल्का गोल्डन ब्राउन और होने तक। इसे थोड़ा सा ब्राउन और करेंगे हम, जब तक कि ये दही भी अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए, दही डालते ही इसमें घी की मात्रा भी देखिए बिल्कुल कम हो गई है, परफेक्ट सूखे सूखे लड्डू बनेंगे बिल्कुल। इसी तरह से लो फ्लेम पर चलाते रहें।
दही डालने के बाद मैंने यहाँ 5 से 6 मिनट तक और लो फ्लेम पर इसे सिकाई की है। अब हम डाल देंगे इसमें थोड़े काजू टुकड़ी, इसमें साथ में सिक जाएंगे और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। हमारा बेसन सिक गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद भी आप इसे लगातार इसी तरह से चलाते रहे क्योंकि कढ़ाई अभी तक गर्म है, ताकि नीचे से ये जले नहीं बेसन। इसी तरह से हम चलाते रहेंगे इसे। हमने कढ़ाई को गैस की फ्लेम से नीचे उतार लिया है और इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई अभी तक बहुत गर्म है, ताकि ये नीचे से जले नहीं बेसन, एक समान रहे। इसी तरह से काजू भी इसके अंदर सिक जाएंगे, बेसन बहुत गर्म है। इसको हमें हल्का हाथ लगने जैसा बेसन बनाना है, ठंडा कर लेना है, बिल्कुल ठंडा भी नहीं हो और गर्म भी नहीं रहे। बेसन ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं। कढ़ाई को नीचे उतारने के बाद भी हम इसे लगातार चलाते रहे जिससे कलर और भी अच्छा आ गया है, गोल्डन ब्राउन। ये देखिए कितनी अच्छी सिकाई हो गई है इसमें। इसमें डालेंगे हम बूरा, जिसे देसी खांड बोला जाता है। ये मोटी मोटी दरदरी होती है, ये किराने की स्टोर पर इजीली मिल जाती है। इसी से लड्डू अच्छे बनते हैं। अगर आप चीनी पीस के डालते हैं तो उसके लड्डू आपके अच्छे नहीं बनेंगे, मार्केट जैसे लड्डू नहीं बनेंगे। दानेदार लड्डू बनाने हैं तो आप देसी खांड का यूज करें, जिसे बूरा बोलते हैं। दानेदार मोटी रहती है। और ये हम कितना डालेंगे, जितना आप बेसन ले रहे हैं उससे कम डालें। अगर आप एक पाव बेसन ले रहे हैं तो उसे कम लें, बराबर लेंगे तो मीठा ज़्यादा हो जाता है। मैं यहाँ 200 ग्राम के आसपास ले रही हूँ। मैंने जितना घी स्टार्टिंग में डाला था उतना ही घी डाला है, इसके अलावा मैंने कोई घी नहीं डाला है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है इसका। अब हम इसमें डालेंगे बूरा, थोड़ा थोड़ा करके हम मिला लेंगे। आप चाहें तो इसे टेस्ट करके देख लें, मिला के कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पूरी देसी खांड डाल दी है, 200 ग्राम ली है मैंने। इसे बराबर मीठा हो गया है, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रहे बेसन को ठंडा करके ही बूरा डालें, नहीं तो गीला हो जाएगा, ये पानी पानी हो जाएगा। इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हमने इसे अच्छे से मिला लिया है, अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। दबा के बनाए लड्डू को, बहुत ही दानेदार बनेंगे, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे लड्डू बनकर रेडी है हमारे। इसी तरह से हम सभी लड्डू को बना लेते हैं। ये देखिए मैंने तो यहाँ अपने बच्चों के लिए बेसन के देसी घी के लड्डू बना लिए हैं। ये थोड़ा बचा है, इसका आप छोटा लड्डू बना सकते हैं या स्पून से ऐसे भी खा सकते हैं। अब हम इसे गार्निशिंग के लिए यहाँ मैं लगा रही हूँ पिस्ता। आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसे बने हैं, बिल्कुल दानेदार है, इसलिए हम पिस्ता लगाएंगे। मैंने यहाँ पिस्ता से गार्निशिंग कर दी है, आप भी इन्हें घर पर एक बार जरूर ट्राई करें। बहुत अच्छे मार्केट से बनेंगे कि आप मार्केट के भूल जाएंगे लाना। आप एक बात का ध्यान रखें, घी आप स्टार्टिंग में कम डालें, चीनी आप पीस के न डालें। पीसी हुई मार्केट में जो देसी खांड आती है उसे ही डालें, दानेदार रहती है। बेसन भी आप दानेदार लें और इसमें दही जरूर डालें। जब बेसन सिकने वाला हो, हल्का सिकना बाकी रह गया हो, तब आप दही डालें इसमें 2 छोटी चम्मच। इससे बहुत ही दानेदार और सूखे सूखे लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।